अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं कोल्लम से, और अब हम लोग जा रहे हैं, एक टैक्सी हायर किया है जो हम लोग को पूरा केरला टूर कराएगी, जिसमें अभी हम लोग त्रिवेंद्रम जा रहे हैं और वहाँ पे पद्मनाभ टेंपल के दर्शन करेंगे, पद्मनाभ भगवान के, उसके बाद फिर आगे की चलिए। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम लोग ने एक गाड़ी बुक करी है तो वो आ गई है, अब हम लोग रेडी है जाने के लिए। पद्मनाभ टेंपल चलते हैं, अभी हम लोग पूरा पूरा अपना ट्रिप उसी उसी गाड़ी से पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू। होटल से निकले थे तब हम लोगों ने नाश्ता किया था, अब लंच करने के लिए एक जगह पे रुके हैं, अब लंच करके आगे की यात्रा हम जारी रखेंगे। इस समय हम पद्मनाभ टेंपल के पास हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, ये इसका व्यू है पद्मनाभम टेंपल का। पद्मनाभ टेंपल से निकल करके अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर देखते हैं अभी कन्याकुमारी या कोल्लम बीच जाएंगे। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही पिक्चर क्लिक करवाया। अंदर मंदिर सुंदर और विशाल है। अब हमें बाहर घूमते घूमते भूख लग गई और एक होटल जो कि उडुपी था वहाँ का बहुत ही अच्छा नाश्ता था, वहाँ हमने नाश्ता किया। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा तालाब है और मंदिर के अंदर
भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शैया के अवस्था में हैं, नाभि में कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, पैरों में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, पर हम कैमरा अंदर न ले जाने की वजह से हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए, बाहर का ही आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर साड़ी पहनकर लेडीज़ों के लिए साड़ी पहनकर और जेंट्स के लिए एक नीचे धोती होती है जिसे पहनकर जाना अनिवार्य है, और ये वहाँ की परंपरा है क्या है, तो हम लोगों ने ऐसे ही कपड़े धारण किए थे, पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को साड़ी ही अलाउ है वहाँ पर। पार्किंग को लेकर ड्राइवर से कुछ कहा सुनी हो गई थी जो कि मलयालम में दोनों कुछ कह रहे थे। अब हम लोग कोवलम तथा कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वहाँ ले चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।